Hello everyone, welcome to Ghost Game Tube and welcome to Airline Commander Gameplay. तो आज का जो हमारा टास्क है वो है Boeing 767 के साथ में, और हमारा टास्क है सिंपल लैंडिंग, सिंपल टेक ऑफ और सिंपल लैंडिंग का. तो शुरू करने से पहले सब लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस. तो शुरू करते हैं. तो यहाँ पर हमारे जो है वो 792 फ्लाइट पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये परचेस कर लेंगे. सिंपल टेक ऑफ में इमरजेंसी लेवल सबसे ज़्यादा है गैस, इसलिए हम सिंपल टेक ऑफ को आखिर में रखेंगे. सबसे पहले हम दोनों लैंडिंग ख़त्म कर देते हैं और ये शुरू. ओके, तो ये थोड़ी फॉग वाली कंडीशन है, फ्लैप डाउन कर देते हैं, प्लेन की स्पीड कम कर देते हैं, लैंडिंग गियर डाउन, और प्लेन की स्पीड को हमें 144 नॉट्स के आसपास की रख मेंटेन करना है. यानी कि लैंडिंग के समय हमारी स्पीड 144 की होनी चाहिए. अगर उससे ज़्यादा होती है तो हमारे टायर फट सकते हैं फ्रिक्शन के कारण, और उसके कम होगी तो हम परफेक्ट लैंडिंग नहीं कर पाएंगे, प्लेन स्टॉल कर सकता है. 50, 40, 30. ओके, तो स्पीड मैंने मेंटेन कर ली है और ये परफेक्ट लैंडिंग भी हो चुका है. अभी इंजन रिवर्स और ब्रेक अप्लाई कर देंगे. इंजन रिवर्स छोड़ देंगे यहाँ पर और सिर्फ ब्रेक से ही प्लेन को रोक देंगे. ओके, तो यहाँ पर हमें पूरे के पूरे पॉइंट्स मिल चुके हैं. अब चलते हैं दूसरे सिंपल लैंडिंग की तरफ और फटाफट से स्टार्ट कर देंगे गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए. ओके, तो यहाँ से है ये केबिन के अंदर का व्यू है गाइस हमारा, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पूरा मॉडर्न केबिन है. ये सामने का व्यू है, ये पूरा मूवी व्यू है, पर इससे डायरेक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है इन सब व्यू से, इसलिए ये व्यू ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है. फ्लैप डाउन कर देंगे और प्लेन की स्पीड कम कर देंगे. मुझे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया यही वाला व्यू लगता है गाइस. अगर आप लोगों को कोई और व्यू अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे. लैंडिंग गियर डाउन और वापस से प्लेन की स्पीड को मेंटेन करना है 144 पर. ओके, तो ये टच डाउन होने ही वाला है गाइस अभी. 50, 40, 30, तो इस बार हमारा परफेक्ट लैंडिंग नहीं हो पाया है गाइस, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है. तब इसके बाद हमें सिंपल टेक ऑफ करना है, उसमें इमरजेंसी लेवल भी बहुत ज़्यादा है गाइस. तो चलिए देखते हैं क्या इमरजेंसी मिलती है हमें उसमें. सिंपल टेक ऑफ और ये शुरू कर देंगे. ओके, तो फ्लैप्स 2 पर और ये
फुल थ्रॉटल यानी कि फुल इंजन पावर देकर हम निकल पड़ते हैं। 145 नॉट के स्पीड पर हमें टेक ऑफ करना है प्लेन को। अगेन उसके ज़्यादा अगर स्पीड चली गई तो हमारे टायर फट सकते हैं, फिर इससे कम स्पीड पर हम टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसके आसपास की स्पीड होनी चाहिए। ये हम टेक ऑफ कर चुके हैं, लैंडिंग गियर ऊपर उठा लेंगे। जब हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए तब हमें फ्लैप्स भी उठा लेने हैं। गए मुझसे गलती से हो गया है गाइस, पूरा व्यू बिगड़ गया है। ओके, अब फ्लैप्स ऊपर कर देंगे और डायरेक्शन सेट कर देंगे हम सबसे पहले यहाँ पर 236। अब हमें डायरेक्शन जो है वो चेंज करना है। यहाँ से कहाँ पर ले जाना है, 177 तक। ओके, और हमें प्लेन का अल्टीट्यूड 2800 फीट पर सेट करना है। और ये हो चुका है यहाँ से 169। ओके, तब सब कुछ जो है वो सेट हो चुका है। इमरजेंसी वैसे ऐसी कुछ ज़्यादा थी नहीं गैस इसमें। सिर्फ फोग वाला का वेदर था, इससे ज़्यादा कुछ कंडीशन थी नहीं। तो ओके गैस, अभी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं हम हमारे नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए Goodbye.